दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कि साइंस के अनुसार दुनिया का विनाश कैसे होगा और इसके अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि धर्मों के पर दुनिया का अंत कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, द हिंदू 71 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे होगा पृथ्वी का अंत, कितने खतरनाक होगी पृथ्वी का अंत, क्या सूर्य का कीवी कारण बनेगा विनाशकारी, क्या पृथ्वी पर तापमान हो जाएगी 50 डिग्री सेल्सियस, क्या कई गुना बढ़ जाएगी सूर्य का तापमान, क्या फिर से आएगा डायनासोर का युग, क्या फिर दोबारा होगा पृथ्वी पर महाप्रलय। दुनिया भर के देश आए दिन नए नई प्राकृतिक आपदाएं झेल रहे हैं, वहीं वैज्ञानिक नए नए शोध कर भविष्य में होने वाले संकट के बारे में पहले हमें सतर्क कर रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक ने पृथ्वी का अंत होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने न केवल धरती के खत्म होने का तारीख बताया है बल्कि ये भी बताया है कि पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा चीनी जानते हैं। बता दें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस तथ्य को सुलझाने में लगे हुए थे कि पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा, लेकिन अब उस सब्र का बांध टूट चुका है। लंबे सौदे के बाद अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी का अंत का कारण सूर्य बनेगा, यानी सूरज बनेगा। कुछ वर्षों बाद सूरज फट जाएगा जिसके कारण पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड नहीं स्वाहा हो जाएगा। पृथ्वी का अंत का कारण सूरज बनेगा क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में कार्गो वर्षों में गैस का ज्वलनशील गोला खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत जल्द ही कई बदलाव होंगे जो हमारे सौर मंडल के अंत की ओर ले जाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुई अभी अपनी जवानी के चरण पर है, जिसके कारण मुख्य अनुक्रम के रूप में जाना जाता है। अब से लगभग 5 अरब वर्ष बाद सूरज ब्लास्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा जिसके कारण पूरी धरती तबाह हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने दी है कई चेतावनी। देखिए अपने वर्तमान चरण में सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का परमाणु सलयाने कैसे ऊर्जा भी करने और तारे को अपनी द्रव्यमान के नीचे गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त दबाव प्रदान करने की अनुमति देता है। लिव साइनस से बात करते हुए खगोल वैज्ञानिक फॉलो टेस्ट ने कहा कि सूर्य 5 अरब साल से थोड़ा कम पुराना है। यह एक प्रकार का मध्यम आयु वर्ग का तारा है, इस अर्थ में कि इसका जीवन 10 वर्ष या इससे अधिक का होने वाला है। पृथ्वी के साथ अन्य कई ग्रह हो जाएंगे नष्ट। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 5 बिलियन साल बाद सूरज में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण सूरज गर्मी उत्पन्न करना ही बंद कर देगा, जिसके कारण अन्य ग्रह भी ठंड हो जाएंगी और उनमें रहने वाले जीव जंतु ये भी तो हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, या सूर्य के पड़ोसी ग्रह बुध और शुक्र को निगल जाएगी, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल होगी। इस तबाही से पहले करना होगा ये काम। देखिए नासा के अनुसार ये सामान्य तौर पर एक तारा जितना बड़ा होता है उसका जीवन उतना ही छोटा होता है, यानी कि जितना बढ़ता रहा है उतना ही जीवन छोटा ने। हालांकि सबसे बड़े सितारे को छोड़कर सभी अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं। अपने मूल में अधिकांश हाइड्रोजन के माध्यम से सूर्य के जलने के बाद या अपने अगले चरण में एक लाल विशालकाय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूरज कांत होगा तब सूरज की आखिरी गर्मी से महासागर तक सूख जाएंगे, गर्मी से इंसान भी नहीं बचेंगे। वैज्ञानिकों ने इस तबाही से पहले सलाह दी है कि ऐसे ग्रह का पता लगाया जाना चाहिए जहां मनुष्य सुरक्षित हो और उन्हें इस तबाही से पहले ही ग्रह में बसाने की तैयारी कर दी जाए ताकि इंसान सुरक्षित हो सके। पृथ्वी के अंत के बारे में आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।